नमस्कार दोस्तों, एनक्स ऑडियो का डीजे 804 अभी कुछ नया आया है 4 चैनल में, तो इसको अपन ने रिपेयर किया अभी नया ही पीस है, फर्स्ट टाइम आया है ये। तो रिपेयर तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसका भी वीडियो डाल दूं, कितना किलोवाट पर चैनल निकालता है ये। तो इसको देख सकते हैं, इस टाइप से ही है। इस टाइप से बनाया है। तो पहले मैं एम्पियर भी चेक करेंगे, कितने एम्पियर ले रहा है ये। तो ये एम्पियर मीटर भी मैंने चालू कर दिया। दो लोड रजिस्टर 4 ओम से में है, 4 ओम से लोड टेस्टिंग करेंगे। मीटर भी ऑन कर देता हूँ, दिख जाएगा। ये 1 kHz फ्रिक्वेंसी, और ये DSO भी चालू कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा नहीं। मैं लाइट बंद कर लेता हूँ अंदर का। ठीक, इसमें लाइट ऑन कर देता हूँ, दिख जाएगा कम से कम। वो मशीन भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये पैरेलल में है, तो एक एक ही वॉल्यूम से दो वॉल्यूम चलते हैं, इधर तीन और चार इकट्ठे चलते हैं। तो मैंने सब लगा के रखी है पिन फर्स्ट चैनल में। ये लोड इसका लिमिटर भी चेक कर लेंगे। तो ये मैंने लोड दिया इस पे, देख सकते हैं। ये जो लिमिट क्लिपिंग यहाँ दिखा रहा है, मतलब लिमिटर ऐसा वहाँ भी दिखाएगा आपको। ये मैं रोक देता हूँ, कम कर लेता हूँ। फिक्स वोल्टेज इसके निकालेंगे अपन। ये अभी नो क्लिपिंग है ना, 69 वोल्ट, 16 एम्पियर, वो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाप लेते हैं पहले, कितने किलोवाट का है। 69.7 है, मतलब 70 वोल्ट ऑन लेते हैं। 70 × 70 भागित 4 ओम से लोड टेस्ट था, 1200 ये निकाल रहा, लेकिन अभी जो आया है 69 वोल्ट के हिसाब से नाप लेते हैं। 69 भागित 4 ओम्स, 1190 वाट पर चैनल निकाल रहा है ये। तो अच्छा है जो भी कंपनी ने बताया हो। अभी अपने ने चेक तो नहीं किया, लेकिन इसका पर चैनल 1190 वाट निकालता है 4 ओम से लोड टेस्टिंग पे। और 16 एम्पियर, कितना था एम्पियर 16, एक बार और चेक कर लेते हैं, पता भी नहीं मुझे। ये मैंने बढ़ाया, देख सकते हैं, बगैर क्लिपिंग पे 15 16 एम्पियर निकाल रहा फिक्स बगैर क्लिपिंग पे। तो अच्छा है, कोई हीट भी नहीं हो रहा है वो, इतना प्रॉपर अच्छा मशीन है, अच्छा बजेगा ये। तो आप देख सकते हो, ले सकते हो। पर चैनल इसका 1200 वाट का है। हमारे यहाँ वोल्टेज भी 230 है, 240 रहते तो पूरा 1200 निकाल देगा पर चैनल। 4 ओम सब पे चेक किया है और तो बढ़िया रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले सकते हो, धन्यवाद।